everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge of. Press subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लास 12. इससे पहले क्लास 11 हम लोग कर चुके हैं. आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रिड, ग्रिड कितने टाइप के होते हैं और टाइप जितने भी टाइप के ग्रिड्स होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हम लोग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द एंटरप्राइजेस ग्रिड्स कैन बी कैटेगराइज. हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस लेवल अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो ग्रिड जो हमारे तीन तरह के होते हैं, दैट इज फोर तरह के होते हैं, दैट इज इंफ्रा ग्रिड, इंट्रा ग्रिड, एक्स्ट्रा ग्रिड और इंटर ग्रिड. ठीक है, तो इंफ्रा ग्रिड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. दैट इज दिस टाइप ऑफ अ ग्रिड आर्किटेक्चर अलाउज एन ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स शेयरिंग विद इन अ डिविजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट. इंफ्रा ग्रिड में क्या होता है, ये इस टाइप का ग्रिड आर्किटेक्चर होता है जिसमें वो ऑप्टिमाइज करता है रिसोर्स को, शेयरिंग को, कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल या अपने डिपार्टमेंट में ही शेयर कर सकता है. इंफ्रा ग्रिड फॉर्म्स अ टाइटली कंट्रोल एनहांसमेंट एनवायरमेंट विद वेल्ड बिजनेस पॉलिसीज इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी. तो भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिक्योरिटीज भी होंगे और कुछ सारी अथॉरिटीज भी हमें मिल जाती हैं उस चीज़ में, और हम पर्टिकुलर हम उस फेम में ही सिर्फ डिपार्टमेंटल अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास डेटा रिसोर्स को चोरी करने का कोई ऐसा इशू नहीं होगा. नेक्स्ट आते हैं इंट्राग्रिड. इंट्राग्रिड क्या होता है, इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है देन द प्रीवियस, पहले से भी ज़्यादा ये होता है. कैसे, बिकॉज इट्स फोकस्ड ऑन द इंटीग्रेटिंग वेरियस रिसोर्स, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है बहुत सारे रिसोर्सेज को सेवरल डिपार्टमेंट्स. अभी तक मैंने बात किया था कि अगर ऊपर वाला है जो वो एक ही डिपार्टमेंट में बात करता है कि भाई वही लोग एक्सेस करेंगे, वही लोग यूज़ करेंगे, बट ये इंटीग्रल नंबर ऑफ डिविजन्स डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है. डिविजन ऑफ एंटरप्राइजेस बहुत सारे डिपार्टमेंटल ऑफ एंटरप्राइजेस को इंटीग्रेट करता है. दीज टाइप्स ऑफ ग्रिड रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी पॉलिसीज. इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटीज पॉलिसीज को यूज़ करना पड़ता है एंड द शेयरिंग रिसोर्स एंड डेटा. इसलिए शेयर रिसोर्स भी बहुत होता है और डेटा भी शेयर होता है, इस वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आगे आ भी जाती है. दैट इज द इट इज द इंटीग्रल पार्ट. ओके, हाउ, बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाउंड इन द सेम इंटरप्राइजेस. क्योंकि वो सेम इंटरप्राइजेस के होते हैं, द फोकस इज द टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज. तो इसलिए फोकस जो होता है वो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन पे ही होता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका एक्स्ट्रा ग्रिड. एक्स्ट्रा ग्रिड क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्रिड होता है बेटा अनलाइक इंट्रा ग्रिड, जैसे कि इंट्रा ग्रिड हम लोगों ने पढ़ा, अनलाइक इंट्रा ग्रिड दिस टाइप ऑफ अ ग्रिड इज रिफरिंग टू द रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है चाहे टू हो, चाहे फ्रॉम, चाहे कर रहे हो, चाहे ले रहे हो, ऑफ अ फॉरेन पार्टनर टूवर्ड्स अ सर्टेन रिलेशनशिप एज एस्टैब्लिश्ड. अगर जैसे हमारे पास हम फॉरेन पार्टनर से अपना शेयरिंग कर रहे हैं और भले ही कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया हो, उसके बाद भी these grids extends over the administrative management of the local resource of the enterprises and therefore the mutual convection on managing the assets of the resource. इसी वजह से उसमें थोड़ा सा mutual convection हो जाता है, क्योंकि obvious ये बात है manage नहीं कर पाएंगे उस particular resource को access करो, या फिर अगर करना है तो फिर उसको भी हमें access करके चलना पड़ेगा, उसको manage करके चलना पड़ेगा. तो आज जो अभी हम लोगों ने discuss किया, three types की grid types discuss किए, that is infra grid, intra grid and extra grid. इसके आगे का हम लोग next class में discuss करेंगे. तो प्लीज़ कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको ना समझ में आई हो, एग्जाम्पल समझना हो, कोई टॉपिक समझना हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताएं, मैं उसको भी डिस्क्राइब करूँगी. आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल के जितना हो सकेगा मैं निकाल के लेके आऊँगी. तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं. थैंक यू, होप यू एन्जॉय दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन और अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.